जी नाम बता दीजिए। हेलो जी, मैं मनीषा राधा स्वामी स्कूल से। हमारा जो स्कूल है वो शीतला कॉलोनी ब्लॉक एक में पड़ता है। हमारा जो स्कूल है वो नर्सरी से 8th क्लास तक का है। और हमारे स्कूल में अभी जो है सेशन 2023-24 खत्म हुआ है और जो नया सेशन है उसके एडमिशन जो है अभी स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे स्कूल में कोई भी एडमिशन का कोई चार्ज नहीं है, ना ही जैसे और स्कूल वाले बोलते हैं कि एनुअल चार्जेस, वो भी कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं। हमारे स्कूल में सिर्फ मंथली फीस होती है, बाकी जो हम बच्चों को देते हैं बुक्स वगैरह देते हैं उसी का चार्ज होगा। और हमारे स्कूल में जो है बहुत सारी फैसिलिटीज हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं जो कि निःशुल्क है, उसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशन की, हमारे स्कूल का जो स्टाफ है वो पूरा का पूरा आपको क्वालिफाई मिलेगा, अच्छे से एक्टिविटी बेस पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं। दूसरी चीज आ जाती है कि एक्टिविटीज किस तरीके से होती हैं, क्या हम बच्चों को सिखाते हैं। तो आज का जो टाइम है उसमें मेन आ जाता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हम बच्चों को बिल्कुल फ्री सिखाते हैं, जिसका कोई भी चार्ज बच्चों से नहीं लेते। उसके बाद जरूरी नहीं है हर बच्चा ही पढ़ाई में आगे निकले, बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे ड्रॉइंग आ गई है, डांस क्लासेस हो गई है, टाइम टू टाइम जीके कॉम्पिटिशन हो गए, साइंस एग्जीबिशन हो गया, सब कुछ हम स्कूल में करवाते हैं जिसका कोई चार्ज किसी से भी नहीं लिया जाता है। इन सभी चीजों से क्या होता है, बच्चे किस चीज में किस फील्ड में कब आगे निकल जाए पता नहीं चलता है। तो इन सभी चीजों के ऊपर हम बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं। मेन हमारा जो फोकस है बच्चों के ऊपर ही रहता है। प्यारे बच्चों और अभिभावकगण, आप सभी को होली के पावन वर्ष की शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है, आपके बच्चों के फाइनल एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और होली का त्यौहार आ रहा है। होली पर सभी लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप सब लोग होली का त्यौहार एक साथ मिलकर रंगों से मनाएं, लेकिन वो रंग आर्टिफिशियल नहीं होने चाहिए, कृत्रिम नहीं होने चाहिए। आप सब मिलकर फूलों की होली खेलें, जिससे किसी को भी किसी तरह का नुकसान ना हो। और होली मिलन का यह त्यौहार आपस में गले लगकर सबको होली मुबारक कहने का त्यौहार है, कि सब लोग एक साथ मिलकर आपस में कैसे प्यार से रहते हैं, ये संदेश आप लोगों को जन जन तक पहुंचाना है। थैंक यू।